अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज दिल शायराना 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 लगता है, बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना। सर स्वागत है आपका DID के मंच पर। तो कैसा लग रहा है आज शादी स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड अब हमारी शादी को अभी 20 साल होने वाले हैं। वाओ, 19th ईयर दिस ईयर। 19th ईयर चल रहा है, नवंबर में 20 साल हो जाएंगे, इनको पता नहीं। मैं एक एक साल गिनता रहता हूँ, ये नहीं। अरे जय तो अपने। हाँ सर, डेट नहीं भूल सकते भैया, कुछ भी भूल जाओ। आई विल से हमारे मामले में डेटें मैं भूलती हूँ, गोल्डी ऑलवेज रिमेंबर्स देम। मैं जानना चाहूँगा सर कि आप दोनों मिले कैसे थे? महेश भट्ट साहब के साथ हम लोग एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस सेट पे हम गए थे। मुझे लगता है इनकी भी पहली पिक्चर थी वो, नाराज़। तब मैंने इनको देखा कि इतनी पतली दुबली सी लड़की इतना सारा खाना खा रही है। मैं ऑफकोर्स खूबसूरत सी लड़की थी, मैं थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट दाल नहीं गल रही थी, क्योंकि ये बड़ी पढ़ी लिखी थी। अच्छा, अब भी है। और हम तो फिल्म वाले हैं बचपन से ही, इंग्लिश विंग्लिश सब बाउंसर जाने वाला है। फिर एक पिक्चर थी अंगारे, और उसमें अक्षय कुमार भी थे और नागार्जुन साहब भी थे और पूजा भट्ट भी थी। तो उस पिक्चर के लिए मैं इनको अप्रोच करने गया और मैं इनके घर गया। तो आप जानते नहीं, ये खुद उठ के जाके पानी का ग्लास लेके आई, दे दिया मुझे। अब मुझे नहीं आदत थी यार इन सब की, मतलब मैंने कौन सी हीरोइन को देखा था ऐसे खुद जाके? कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आया है, उसको जाके खुद पानी का ग्लास दे रही है और खाना दे रही है। और बोला यार बड़ी मतलब सिंपल सी लड़की है। और शायद इसलिए मेरी दाल नहीं गल रही थी। तो फिर मैंने अपना थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स। थोड़ा टाइम लगा इनको कि यार दोस्ती खराब हो जाएगी, जैसे टिपिकल होता है लड़कियों का। यार अभी टिपिकल दोस्ती खराब हो जाएगी, आए हाय, ये तो बड़ा इरिटेटिंग लाइन रहती है। हाँ, लेट्स रिमेन फ्रेंड्स। हाँ, आई सेड यार ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने एक दोस्त को पीछे लगाया था, तो उसका जॉब था कि रोज सुबह उसको पिकअप करना और उसके साथ ड्राइव करना शूटिंग तक। अच्छा, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। धीरे धीरे एक्चुअली कैन नेवर से कि दोस्ती, प्यार, मैरिज, इट जस्ट हैपेंस सीमलेसली। लेकिन शादी के लिए किसने कुछ तो कहा होगा कि चलो अभी शादी कर लेते हैं, लेट्स सेटल, किसी ने तो कहा होगा? मेरी माँ ने कहा था अगर तू इस लड़की को हाथ से जाने देगा ना तो बड़े झूठे पड़ेंगे तेरे को। दैट्स ट्रू। तो मैंने अंगूठी बनाई और उनके घर चला गया मैं, और मैंने बोला देखो ये अंगूठी बनाई है। तो उन्होंने बोला वेरी नाइस, ऐसे पेन लो। मैं और मेरे पापा जब जूहू बीच घूमने गए थे तो मेरे और मेरे पापा को सारे लोग मिले और मुझे कह रहे थे कि तुम D.I.D. लिटिल मास्टर में आए हो, और सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैं D.I.D. के मंच को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। रियली? सो स्वीट। अरे वाह। अच्छा जी सर, मैं अपनी चप्पल भी लेने गया था, तो कह रहे कि आप सादिया के पापा हो ना जो D.I.D. में हैं? तो मैं बोला हाँ। मैं उनको कोई जवाब ही नहीं दिया, इतनी खुशी मिली सर। क्या बात कर रहे हो, रियली? एक ने कहा कि मैं आपकी बच्ची, आप मुस्लिम हो ना? मैं बोला हाँ। कह रहे मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को डांस सिखाना चाहता हूँ। अरे वाह यार, वाह, जीत गए हम, जीत गए, वाह जीत गए। और एक ने कहा कि मतलब कि मैं डांस तो नहीं, मैं एयर होस्टेस बनाना चाहता हूँ अपनी बच्ची को। क्या बात है। वाला ये ऊपर वाले का कर्म है जो मेरे देख के कि आदमी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर निकल रहे हैं उस फील्ड से। जीत गए आप, जीत गए। ज़िप ज़ैप ज़ूम, ओके रेडी, 1 2 3 गो। ज़िप जय। हाँ, ये परफॉर्मेंस थी पृथ्वी लोक के हर परफॉर्मेंस पर भारी। हाँ। इसीलिए आदिश्री को मिलती है रो बैम्बो की सवारी। माय गॉड। सर आप जा रहे हैं फिर से? Yes. I want to go, please. ओनी मैंने कहा ना तुम मेरे हाथों में नहीं तुम मेरे दिल में बैठो। रो बैम्बो बस सबको मिलेगी सवारी लेकिन आज है रोने की बारी। मेरा पैर दुख रहा है। रोबैम्बो वापस मुझे छोड़ दोगे वहाँ पे? This is plain cheating. मतलब जलाने का पूरा मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सौदा सा दिल संभाला, साथ बदल गया। क्या बात है यार, क्या बात है। तो आदिश्री कैसा लगा ये सवारी जरा बताओ, बाकी ये कंटेस्टेंट को भी बताओ, बहुत जल रहे हैं अंदर अंदर। बहुत मजा आया मुझे। आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे जल क्यों रहे हो अंदर अंदर से? मुझे कहना है कुछ। मैं ना जब ना जुहू बीच गई थी ना तब मैं खेलने गई थी वहाँ पे। जब मैं पानी में लहराने गई थी तब मैंने देखा था कि मेरा पूरा कपड़ा भीग गया और भीगता तो है और पूरा गंदा। और ना मैंने देखा जब बाहर आई ना तब मेरा पूरा कपड़ा पे कचरा और मिट्टी लग गया था, पूरा गंदा पानी था पूरा। तो आप मुंबई वासियों को बोले कि जब भी जाओगे तो कचरा मत फेंके, जब भी कचरा फेंकना है तो आप प्लीज डस्टबिन में फेंकिए। अच्छा अभी मैं मुंबई कर को सबको बोलूंगी कि मेहरबानी करके आप कचरा सब डस्टबिन में डाले। खुश? यस। नानी मुंबई कर को आप ऐसे बोल रहे हो? प्लीज हमारे मुंबई कर अच्छे हैं, ये इंडिया कर लोग हैं जो जुहू बीच आते हैं और ये सब गंदगी करते हैं। सो मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी डेस्टिनेशन पे जाएं, नॉट ओनली जुहू बीच, बट अगर आप ऊपर भी जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हो तो प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए, स्पेशली प्लास्टिक बॉटल अवॉइड करिए आप लोग। ये मेरी बेटी कहना चाहती है। ये जो बीच पर गंदगी मचाते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मछलियों को कितनी तकलीफ होती है, आखिर मछली भी तो इंसान है। सच बात बोलिए जय। हाँ बिल्कुल मछली इंसान है। अगर जय का मुंह पापलेट जैसा हो सकता है तो मछली इंसान क्यों नहीं हो सकता? जय भैया का मुंह मछली की तरह नहीं है, चूहे की तरह है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।